दोस्तों वेलकम बैक ब्लॉगर मुनीश के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा अलग तरीके का होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि प्रेशर कुकर में देसी दारू कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गुड़ को सड़ाकर देसी दारू कैसे बनाया जाता है। 15-20 दिन पहले गुड़ को पानी के साथ सड़ाने के लिए रख दिया जाता है। जैसे वो सड़ के तैयार हो जाता है तो घर में रखा हो जो प्रेशर कुकर है उस प्रेशर कुकर में उसको डालकर मीडियम फ्लेम में जो गैस होता है उसको मीडियम आँच में जलाया जाता है और उसमें एक नली लगाया जाता है जो कि रबड़ की होती है, यानी कि जो वाटर लेवल नापने के लिए जो मिस्त्री लोग घर बनाते समय वाटर लेवल को नापने के लिए जिन नलियों का प्रयोग करते हैं, ऐसे पाइप्स का प्रयोग करके उसको बड़े लंबे पाइप को लेकर एक बाल्टी में रख दिया जाता है और बाल्टी में पाइपों का गुच्छा बना के छोड़ दिया जाता है, ताकि जैसे भाप के साथ जो वाइन निकले वो पाइप के अंदर से होते हुए निकले तो वो वाइन ठंडा हो जाए, यानी कि वो दारू ठंडी होकर निकले। शुरू में जो दारू निकलता है वो वाइट कलर का होता है और वो वाइट कलर का दारू पॉइजन होता है, तो उस दारू को निकाल के फेंक दिया जाता है। उसके बाद जो वाटर के कलर का यानी कि पानी के रंग जैसा जो वाइन निकलता है वही ओरिजिनल होता है। चेक करने के लिए क्या करते हैं, बीच बीच में उसको थोड़ा निकाल के चम्मच से कहीं पर रख के उसको थोड़ा आग लगा के देख लेते हैं कि वाइन कितना स्ट्रांग है। यहाँ पर देख सकते हैं इस ब्लॉक के थ्रू आप वाइन कितना ब्लू फ्लेम के साथ नीले रंग के साथ जल रहा है, और मैं आपको बता दूँ जो नीले रंग के साथ जलता है वो सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है, यानी कि ये जो वाइन है बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरीके का प्रयोग आप अपने घर पे ना करें। इस ब्लॉग को मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, ना कि आपके घर में करने के लिए कह रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।